तेल उद्योग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार मूल्य के संदर्भ में देखा जाए तो खाद्य तेलों का आयात 63% बढ़कर 1.17 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। वनस्पति तेल का विपणन वर्ष, जिसमें खाद्य तेल और अखाद्य तेल शामिल है, नवंबर से अक्टूबर तक चलता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि सी ने एक बयान में कहा है कि तेल वर्ष 2020-21 के दौरान वनस्पति तेलों का आयात 135.31 लाख टन यानी कि 1.33 करोड़ दर्ज किया गया है, जबकि वर्ष 2019-20 के दौरान ये 135.25 लाख टन था। इसमें कहा गया है कि वनस्पति तेलों का आयात पिछले 6 साल में दूसरी बार सबसे कम है। आंकड़ों के अनुसार खाद्य तेल का आयात वर्ष 2020-21 में पिछले वर्ष के 131.75 लाख टन से घटकर 131.31 लाख टन रह गया, जबकि अखाद्य तेल का आयात 3,49,172 टन से बढ़कर 3,99,822 टन हो गया। इंडोनेशिया और मलेशिया भारत को आरवीडी पामोलिन और कच्चा पाम तेल के प्रमुख आपूर्ति करता है। कच्चा सोयाबीन तेल मुख्य रूप से अर्जेंटीना और ब्राजील से आयात किया जाता है, जबकि कच्चा सूरजमुखी तेल मुख्य रूप से यूक्रेन, रूस और अर्जेंटीना से आयात किया जाता है। 1 नवंबर को विभिन्न बंदरगाहों पर खाद्य तेलों का स्टॉक 5,65,000 टन और पाइपलाइन स्टॉक 11,40,000 टन होने का अनुमान है, जो कुल मिलाकर 17,05,000 टन है। 1 अक्टूबर तक स्टॉक 20.05 लाख टन से घट गया है। सी ने कहा है कि मूल्य के संदर्भ में खाद्य तेल का आयात वर्ष 2020-21 में 1,17,000 करोड़ रुपए का हुआ, जो वर्ष 2019-20 में 71,625 करोड़ रुपए का हुआ था। एसोसिएशन ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा पिछले कुछ महीनों में खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में लगातार बदलाव ने भी आयात के तौर तरीकों को बिगाड़ दिया है। वर्ष 2019-20 के दौरान 4.21 लाख टन की तुलना में 2020-21 में रिफाइंड तेल का आयात मामूली बढ़कर 6.86 लाख टन हो गया, जबकि कच्चे तेल का आयात 127.54 लाख टन की तुलना में मामूली घटकर 124.45 लाख टन रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।